Now, Kartik, Sonu has been immortalized. I mean, if I may say, in the hearts and minds of all the fans. Thank you. So, tell us, did you borrow any trait, for Guttu from Sonu? Or, you know, basically we want to ask, film mein monologue hai ki nahi? फिल्म तो सोनू के टीटू की स्वीटी में भी मोनोलॉग नहीं था और बट सोनू सोनू टीटू डिड नॉट हैव मोनोलॉग बट देन दे डिड हैव दोस यू नो आई सीन इट बट आई डोंट रिमेंबर इट नो नो सो देयर वाज नो मोनोलॉग इन द फिल्म सोनू की डायलॉग बाजी बहुत थी बहुत डायलॉग्स बोलता था बहुत चीजों में ओवरपावरिंग था ऑल्सो उसको उसका कैरेक्टर इधर पे मैं इम्बाइब नहीं कर सकता था बिकॉज गुड्डू शुक्ला बहुत अलग कैरेक्टर है सोनू से एंड ये टेरिटरी मेरे लिए नई थी बिकॉज ये एक इट्स अ स्मॉल टाउन जहाँ पे ये रिपोर्टर है मथुरा लाइव करके एक चैनल है उसका रिपोर्टर है गुड्डू शुक्ला और ही इज समवन हुज वेरी हुज एन ऑनेस्ट गाय बहुत ऑनेस्ट है स्ट्रीट स्मार्ट बिल्कुल नहीं है अच्छा। तो वो जो करता है वो बिलीव करता है ये चीज़ में और वो सीधे सीधे वो चीज़ करता है वो कभी भी टेढ़ा रास्ता नहीं अपनाता जो सोनू अपनाता था एंड ऑफकोर्स सोनू हैज बीन थैंकफुली इमॉर्टलाइज्ड एंड सोनू की आज बर्थडे है आज एक साल हो गया तो वो एक चीज़ है जो सोनू विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग कैरेक्टर था एंड आई ऑलवेज एंड आई एम स्टिल मतलब वो ऐसा लगता है कि कल ही पिक्चर रिलीज हुई थी लेकिन एक चीज़ है कि जो गुड्डू की खास बात है ये उसकी ऑनेस्टी है वो मैं सोनू से कुछ भी इम्बाइब नहीं कर सकता था क्योंकि वो वर्ल्ड अलग है ये वर्ल्ड पूरा अलग है ये टेरिटरी पूरी अलग है ये मथुरा में है स्मॉल टाउन है डायलेक्ट है इसमें मेरा फिल्म में दिल्ली का लड़का नहीं है ये बट ही समन जो बहुत आपको ऐसा लगेगा आप इसको घर लेके जाओ विद गुड्डू शुक्ला यू विल फील कि इसको मम्मी से मिलवाओ इससे इसको मम्मी मतलब घर वो मतलब मम्मी होनी चाहिए मम्मी से शादी की बात करते हैं ये वैसा कैरेक्टर है